आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। अगर आप भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज जो मैं आपके लिए बताने वाला हूं वो रियली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मतलब ये कोई रिव्यू नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली मैं कहा जाए तो मैंने एक नया टूल ट्राई किया है और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, आप चाहो तो उसको फ्री में यूज कर सकते हो, अगर आपको समझ में आए तो आप उसके पेड वर्जन में भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो एक टूल है जिसका नाम है simplytrends.co करके वेबसाइट है और लिंक मैं नीचे आपके लिए दे दूंगा। तो यहां पे सेल्स इनसाइट्स फॉर एनी Shopify स्टोर और प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी Shopify स्टोर की कंप्लीट इनसाइट्स आपके लिए दिखाएगा। मतलब आप ही समझ लीजिए, मैंने अभी इसको ट्राई किया है, सारी चीजें आपको अंदर चल के दिखाऊंगा मैं, लेकिन यहां पे मैं आपके लिए कुछ बेसिक्स पहले बता दिया करता हूं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, फाइंड एनालाइज ट्रैक एनी Shopify वेबसाइट रेवेन्यू सेल्स, मतलब जितना भी सेल हो रहा है वो तक आप ट्रैक कर सकते हो कि किसी भी स्टोर का कौन सा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से सेल हो रहा है, कौन से एड्स हैं, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, पूरे एवरीथिंग, जो भी चीजें आपको जानने की जरूरत पड़ती है किसी भी सक्सेसफुल स्टोर के बारे में, तो ये आपके लिए सारी चीजें बताता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा सिंपली ट्रेंड्स टर्न योर बिजनेस इनटू प्रॉफिट मेकिंग मशीन, मतलब कहा जाए तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली बात है। इसका मैं रिव्यू आपके लिए सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये टूल पसंद आया, बाकी आपको मैं जैसे कि मैंने बोला कि ये फ्री भी है, मैं आगे आपके लिए दिखाऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ट्रैकर में ये आपके सेल्स, मतलब लाइव, जो अभी जो लाइव अगर किसी का आप देखना चाहते हो, कोई आपके लिए लगता है कि आपका ये कॉम्पिटिटर हो सकता है, मान लीजिए मैं कोई क्लोथिंग बेचता हूं या विंटर के अभी मैं कुछ क्लोथ बेच रहा हूं और मुझे लगता है कि विंटर में कौन है जो कि बादशाह है इस फील्ड में, तो मैं उसके स्टोर को ट्रैक करूंगा। आप ज्यादा बड़े भी मत करना, लेकिन जो Shopify के ड्रॉप शिपिंग स्टोर आपके लिए पता है आप उनको ट्रैक कर सकते हो, और कभी कोई आपसे बोल रहा है कि ये स्टोर उनका है और आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड ऑन जो प्राइसिंग है वो आपकी ट्रैकिंग पे ही डिपेंड करता है कि कितने आप ट्रैक करना चाहते हो। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पिटिटर फाइंडर है, Shopify स्टोर इनसाइट्स, फिर यहाँ पे Shopify प्रोडक्ट इनसाइट, एड स्पाई, मतलब कौन कौन से एड्स वगैरह वो चला रहे हैं, आप उनको डाउनलोड करके रीयूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिसोर्सेज, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका आपको रिसोर्स ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आपको मिल सकता है, तो ये भी एक बहुत शानदार चीज लगी क्योंकि कई बार हमें ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो हमको कभी अली एक्सप्रेस पे नहीं मिल रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहे, तो ये आपके लिए रिसोर्सिंग का काम भी, सॉरी सोर्सिंग का काम भी आपके लिए करके दिया करता है कि वो आपको वो जो एक प्रोडक्ट है वो फाइंड करके देगा। फिर यहाँ पे इसके साथ में ऑब्वियसली बात है फ्री क्रोम एक्सटेंशन भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी फ्री क्रोम एक्सटेंशन इसकी डाल के रखी हुई है, और इसके बाद ये बाकी सारी चीजें कुछ इन्होंने ट्यूटोरियल वगैरह यहाँ पे दी हुई है किस टाइप से आप यूज कर सकते हैं, साथ ही इसके प्राइसिंग वगैरह भी हम आगे चल के देखेंगे। वैसे मैं आपके लिए अभी दिखा दिया करता हूं, तो चलिए हम सबसे पहले प्राइसिंग ही देख लिया करते हैं। तो प्राइसिंग आप देख सकते हो कि $0 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और जो मैं अभी यूज करता हूं वो मैं $49 पर मंथ का यहां पे प्लान यूज कर रहा हूं। तो आप ये समझ के रखिए कि अगर मैं 4,500 रुपए अगर महीने दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इस टूल में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से मैं इतना खर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो आप भी इसको फ्री में ट्राई करके देखना, जब फ्री में चीजें समझ में आए, आपको अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इसके पेड में भी जा सकते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। चूंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, अकाउंट वगैरह सारी चीजें मैं बना चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अकाउंट है ये मेरा ही है, और मैंने सेल्स ट्रैकिंग लेफ्ट जो कि 8 यहाँ पे दिखा रहा है, तो मतलब कहा जाए तो बाकी मैंने यहाँ पे लगा दी है। तकरीबन 10 आपके लिए प्लान्स में मिलते हैं, जैसे मैं आपके लिए एक और जो इनका पेड प्लान है वो आपके लिए दिखा दिया करता हूँ। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो इनके प्राइसिंग डिपेंड करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ सेल्स ट्रैकिंग स्टोर, मतलब आप कितने स्टोर्स को ट्रैक करना चाहते हो उस पे आपका प्राइस डिपेंड करता है। जो मैंने लिया है वो 10 स्टोर के लिए लिया है और $49 मंथ पड़ रहा है। अगर आप यहां पे 30 स्टोर करोगे, 80 स्टोर करोगे तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है
कि आप पहले फ्री में स्टार्ट करो और आपको अच्छा लगे तो आप ये $49 पर मंथ में 10 स्टोर के लिए ट्रैक कर सकते हो। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे एक स्टोर है, इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लास्ट 24 आवर्स में इसने कितनी सेल्स जनरेट की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $569.90 इसका इसने ट्रैक किया है। मतलब कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ, मैं इसको वैसे बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूं, तो आप ये समझ के रखिए, आप यहां पे देख सकते हैं तकरीबन नवंबर 12 से लेके जनवरी 13 तक अभी तक इसका एंड टाइम चल रहा है। तो कहा जाए तो मैं इसको बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूं कि क्योंकि मैं इसी निश पे काम कर रहा हूँ, ये जो निश है इसी निश पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसकी सेल्स रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में आप यहां पे देख सकते हैं तकरीबन 696 का इसके पास ऑर्डर आए हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि ये जो स्टोर है ये बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। लास्ट 7 डेज में अगर देखा जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं $3,649 की इसने अर्निंग की है, और 30 डेज में यहाँ पे देखा जाए तो $19,000 की यहाँ पे अर्निंग हुई है। तो ये जो निश है, इसी टाइप की निश आप फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किसी साइट को ट्रैक करना है, उसके अलावा उसके प्रोडक्ट वगैरह जो भी रहेंगे, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इसके प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो ये है, ये 3 प्रोडक्ट इसके सेल हुए और 239 करीब इसने यहाँ से कमाए हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो बाकी प्रोडक्ट रहेंगे उसके कैसे ऑर्डर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जैसे बाकी ऑर्डर हैं वो आप देख रहे हैं तकरीबन $59 का एक प्रोडक्ट है और तकरीबन 239 करीब इसने इससे अर्निंग की। तो ये आप समझ के रखिए कि ये ऐसी चीज है, ये ऐसा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव ऑर्डर्स भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से स्टोर में क्या अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। सिंपल सा आपको कोई भी एक स्टोर पता है, उसका URL आपको डालना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि फैशनोवा करके अगर आप डालते हैं यहाँ पे, तो फैशनोवा.com की ये पूरी सेल्स ट्रैकिंग, लाइव ऑर्डर्स वगैरह सारी चीजें आपके लिए दिखाई देगा। अब यहाँ पे Shopify स्टोर्स भी आपके लिए ये दिखाएगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए या तो आप कैटेगरी डालिए या कीवर्ड डालिए, ठीक है। मान लीजिए आप ड्रेस में कर रहे हैं, पेट्स में कर रहे हैं, जैसे आजकल मैं थोड़ा सा एक पेट्स कैटेगरी में भी पेट एसेसरीज में कर रहा हूं, तो अगर आप यहां पे पेट एसेसरीज डालेंगे तो पेट एसेसरीज से रिलेटेड ये आपके लिए स्टोर्स दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे दो टाइप के हैं कि एक आप कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा डोमेन के थ्रू कर सकते हैं, कि कोई डोमेन है वो डोमेन में सर्च करेगा या कीवर्ड में सर्च करेगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो ऑल Shopify स्टोर्स को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबके सब स्टोर इसने दिखा दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इनके प्रोडक्ट वगैरह रहेंगे, आप चाहें तो इसकी सेल्स ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब ये सभी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं barnbrand.com करके है, और ये सभी इतने सारे स्टोर्स वगैरह हैं, आप इनको सबको कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे फिल्टर भी देख सकते हैं, ये थोड़े से एडवांस फिल्टर हैं। इसके अलावा एक और होता है कि सिर्फ आपको ड्रॉप शिपिंग वाले ही स्टोर देखना है, क्योंकि Shopify में कुछ लोग ऐसे स्टोर भी बनाते हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल से सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाले आपके लिए देखना है तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंट्री वगैरह और ट्रैफिक टाइप, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई कि Shopify स्टोर, फिर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप चाह रहे हो कि इसी टाइप का प्रोडक्ट आपके लिए चाहिए है, या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, या कहा जाए तो कोई स्टोर है उसके उससे रिलेटेड आपके लिए प्रोडक्ट चाहिए है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड सिमिलर स्टोर्स अक्रॉस 2 मिलियन Shopify स्टोर्स, एंटर अ टारगेटेड Shopify URL। तो मतलब आप यहाँ पे सिमिलर स्टोर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे Shopify के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं कि जो भी अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं जो कि ज्यादा सेल दे रहे हैं वो सभी आपके लिए यहाँ पे दिखाई देंगे। आप यहाँ पे ऑल Shopify प्रोडक्ट्स पे करोगे तो आप यहाँ पे A to Z वो सभी प्रोडक्ट देख सकते हो, कौन से स्टोर में है, उनका क्या अभी स्टेटस चल रहा है, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने आपके लिए बताया है कि आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाले आपके लिए चाहिए हैं, या फिर आपके लिए किसी स्पेशल वेंडर के चाहिए हैं, या जो पब्लिश टाइम है, स्टोर ट्रैफिक है, फुलफिलमेंट सर्विस, जैसे फुलफिलमेंट सर्विस में आप ओवरलो यूज कर रहे हैं, ओवरलो तो आजकल रहा नहीं, प्रिंटफुल यूज कर रहे हैं, डीजर कर रहे हैं, प्रिंटिफाई कर रहे हैं, सीजे, एस पॉकेट, इप्रोलो,
और ये इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप किसको यूज कर रहे हो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इससे अंतर नहीं पड़ता है कि वो कौन सी सर्विस है, अगर आप इनमें से कोई भी एक ऐसी प्लगइन वगैरह यूज कर रहे हैं, मान लीजिए डीजर कर रहे हैं या प्रिंटिफाई कर रहे हैं, एस पॉकेट कर रहे हैं या इप्रोलो कर रहे हैं, तो इनके थ्रू भी आप फुलफिलमेंट सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं कि इनकी इस प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, एक और ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स भी आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की आप लिंक डालो उसका एक सिमिलर प्रोडक्ट ये आपके लिए फाइंड करके देगा। इसके बाद यहाँ पे सेव्ड स्टोर, जो भी आप स्टोर वगैरह सेव करोगे, फिर सप्लायर फाइंडर, जैसे कि मैंने आपके लिए बोला था किसी भी इमेज को अपलोड करके वो प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा ये आपके लिए दिखा देगा। मान लीजिए कोई स्टोर है, कोई भी शॉपिफाई स्टोर है, उसका आपको देखना है तो सिंपल सा आप यहाँ पे अपलोड भी इमेज कर सकते हैं या फिर आप इमेज का URL भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपको पेट के बेड्स वगैरह ढूंढने हैं, ठीक है, तो ये जो है ये मान लीजिए एक इमेज है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे फाइंड करके देगा कि यही सेम प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे इसने नीचे दिखा दिया 294 सप्लायर्स फाउंड। ठीक है, अभी ये चूंकि यहाँ पे एक और इशू क्या रहा करता है कि यहाँ पे आपके लिए इमेजेस, जो कुछ इमेजेस नहीं दिखाई दे रहे जो कि AliExpress का होंगे, तो जैसा कि मैंने आपके लिए एक और चीज बोला था कि आपको यहाँ पे प्रोटोन VPN का यूज कर लेना है, तो ये प्रोटोन VPN जो है ये आपके लिए कहा जाए तो AliExpress वगैरह एक्सेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं अभी इसको ऑन कर लिया करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सर्वर पे और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो सारी इमेज अभी तक नहीं आ रही थी वो सारी इमेजेस भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट था इसमें एवरेज प्राइस इसका कितना है और हाईएस्ट प्राइस आप कितना ले सकते हैं, लोवेस्ट प्राइस कितना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो A to Z इसने सारी चीजें यहाँ पे A to Z बता दी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी टाइप से बहुत सारे और आए हुए हैं। तो जिस टाइप की भी चीज आपको फाइंड करना है वो चीज आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विनिंग एड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एड स्पाई भी ये करता है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आप एड भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए पेट बेड से हम ले लिया करते हैं, ठीक है, पेट बेड जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर एक और चीज क्या होती है कि ऑल प्रॉफिटेबल एड्स, इसका प्रॉफिटेबल एड्स का क्या फायदा होता है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है उस एड्स को आप फाइंड कर लीजिए, और ऑब्वियसली बात है कि अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है उसी पे आप भी चलाएंगे तो प्रॉफिट होगा, मतलब कहा जाए तो प्रॉफिटेबल मतलब कन्वर्टेबल। ठीक है, तो आप चाहे तो मान लीजिए यहाँ पे पेट बेड्स को भी हम पहले सर्च करके देख लिया करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेट बेड्स में तकरीबन इतने एड यहाँ पे चल रहे हैं, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड इमेज और वीडियो का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो वीडियो है यही सेम चीज अगर आपको करना है तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इतने डाउनलोड के, सभी में डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ये जो इसका कंप्लीट स्टेटस क्या है वो ये हर चीज आपके लिए दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टार्टेड रनिंग ऑन December 23, मतलब कहा जाए तो ये तकरीबन 5 दिन पहले ये वाला एड रन हुआ, और ये जो बंदा है ये तकरीबन 40 एड्स रन कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है इसको फायदा हो रहा होगा तभी तो कर रहा है बंदा, है ना। और उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिव एड आज की डेट में 14 है और तकरीबन 23 दिसंबर को पहला किया, फिर उसको जैसे जैसे फायदा होता गया होगा तो उसने तकरीबन 40 एड्स यहाँ पर रन कर रहा है। और इस एड्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए इसको प्ले करना है प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट वो बेच रहा है, तो मान लीजिए मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो प्रोडक्ट है इसको वो बंदा सेल कर रहा है जो यहाँ पे एड दिखाई दे रहा था। और आप चाहें तो अब इस पूरे स्टोर को भी पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं, कैसे उसने लिखा है, किस टाइप से लिखा है। ऑब्वियसली बात है कि सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, अगर आप सारी चीजें सही तरीके से और इसी टाइप से इसी फॉर्मेट में बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको और भी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने एक GIF भी यहाँ पे डाल के रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 GIF यहाँ पे डाल के रखी है, कहा जाए तो बेनिफिट्स वगैरह लिखे हैं, कुछ और
पर इमेजेस भी लगाई हैं, साइज चार्ट पूरा लगाया हुआ है, तो पूरी कहा जाए तो पूरी इंफॉर्मेशन सारी उसने दी हुई है, ठीक है। तो ये आप समझ के रखिए कि यहाँ पे आपके लिए हर चीज पता चल सकती है इसके थ्रू। ये जो बंदा है ये कितने एड चला रहा है, तो आज की डेट में तकरीबन 40 एड ये बंदा चला रहा है। फिर ये जो साइट है ये कितने एड चला रही है, तो तकरीबन 10 एड चला रही है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कहा जाए तो इंसान को दिक्कत क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट लें या ना लें। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक टॉपिक डालना है, मान लीजिए यहाँ पे जो मतलब ये टॉप ये कहा जाए तो विनिंग एड्स जो है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, कहा जाए तो यहीं से मैं पूरे प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। ये जो मोस्टली ऑप्शंस है इनको तो मैं इतना ज्यादा फाइंड ही नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं एक सेल्स ट्रैकर का यूज करता हूँ और दूसरा मैं ये जो बाकी तीन चीजें हैं इनका यूज करता हूँ। यहाँ से क्या मिल जाता है अपन को कि हमको एक एड मिल गया, अब इस एड से हम प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, अब आप ये वाली इमेज डाल के यहाँ से ये प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सप्लायर फाइंडर वगैरह है, तो सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट चाहिए है। अब प्रोडक्ट आपको मिल गया, फिर क्या चाहिए पड़ता है, एड। तो एड इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या चाहिए पड़ता है, कंटेंट। कंटेंट ऐसा चाहिए पड़ता है जिसके लिए कहा जाए तो फेसबुक वगैरह अप्रूव कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने कंटेंट लिख के रखा है, आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो या थोड़ा सा आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ए टू जेड सारी समस्याएं आपकी यहाँ पे हल हो गई। और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि आप चाहें तो सभी के सभी देख सकते हैं, जैसे अभी हमने पेट बैड्स करके देखा हुआ था, आप ऑल प्रॉफिटेबल एड्स देख सकते हैं कि जो लोग जो एड्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं एक बंदा है जो तकरीबन 1073 एड्स रन कर रहा है आज की डेट में, और ये कब शुरू हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 18 दिसंबर के बाद से उसने इतने एड यहाँ पे चला दिए। कहा जाए तो और भी ज्यादा चल रहे थे, कुछ उसमें से बंद कर दिए, ठीक है। तो इस बंदे के सारे एड्स वगैरह आप देख सकते हैं, और ये ऑब्वियसली बात है सभी प्रॉफिटेबल होंगे, और जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते तो वो चलाते क्यों, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये जो भी है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए पता चल जाएगा। तो अभी जैसे ये वाला एड मैंने ओपन किया है, अब इसके एक्टिव एड वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट पेज है वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट के लिए ये बंदे लोग प्रमोट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहा जाए तो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए पता चल गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म को ये बंदे यूज कर रहे हैं, तो जो भी ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है और इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये चार जगह पे ये लोग ये इस एड को चला रहे हैं। और जो प्रोडक्ट का पेज है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज भी देख सकते हैं। इस टाइप से कुल मिला के एक ये पेज बनाया हुआ है। तो कहा जाए तो सारी चीजें जब तक किसी को फायदा नहीं हो रहा होता तो वो आप ये सोचो कि अगर वो एक एक डॉलर, मतलब कहा जाए तो मिनिमम लोग $5 लगाते हैं पर डे, तो आप ये समझो कि अगर वो $5 पर डे लगा रहा होगा तो 1000 एड में उसका कितना जा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक उसको रिटर्न नहीं मिलेगा या कहा जाए तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कहा जाए तो इस टूल का सबसे अच्छी चीज यही है कि ये सारी चीजें ए टू जेड आपके लिए बता दिया करता है कि क्या इसमें अभी तक हो रहा है। तो एक और चीज हो गई, विनिंग एड्स हो गए, फिर आपको फेसबुक एड्स देखने हैं, टिकटॉक एड्स देखने हैं, फिर यहाँ पे जो क्रोम एक्सटेंशन है वो क्रोम एक्सटेंशन ये फ्री दिया करते हैं कि मान लीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट पे हो आप, मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी शॉपिफाई स्टोर है, आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो क्रोम एक्सटेंशन है, अब ये आपके लिए इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो भी इसकी इंफॉर्मेशन थी वो सारी चीजें इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। मतलब कहा जाए तो ये इतना पॉपुलर स्टोर नहीं होगा और अभी अभी इसने इतना इस पे काम शुरू किया होगा। तो कहने का मतलब है जो जो चीजें इसको पता चलती जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट की भी यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह चल रही है, कलेक्शंस वगैरह इसने सारी चीजें बता दी। तो कहा जाए तो ये जो ऐप है ये आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें बता सकता है, ठीक है। और चाहो तो आप सिंपल सा ये जो स्टोर है इसकी लिंक ही अपने इसमें ट्रैकिंग में डाल दो तो ये आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा। मतलब जो भी इसका स्टेटस रहेगा, मान लीजिए लाइव ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, इसमें सेल्स कितनी ट्रैकिंग हो रही है, तो ये सिंपल सा आपको इसका एक यूआरएल डालना है। मान लीजिए ये जो है ये, इसको आप यहां से कॉपी करके
और इसमें आपको सिंपल सा पेस्ट कर देना है। और ये जो है ये यहाँ पे एक एरर इसने दिखाया है कि ये जो स्टोर बना है ये एक्चुअली में शॉपिफाई पे नहीं होगा। कहा जाए तो यहाँ पे हम सिर्फ विनिंग एड्स देख रहे हैं, तो एड्स में जरूरी नहीं है कि शॉपिफाई स्टोर ही हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टोर है, ऑब्वियसली बात, इसका जो लुक देख के लग रहा है कि ये शॉपिफाई में नहीं बना है, तो कहा जाए तो ये वर्डप्रेस में ही बना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये शॉपिफाई में होता तो इसको ये बहुत शानदार तरीके से ट्रैक कर सकता था। मतलब कहा जाए तो इसका एक ड्रॉबैक आप ये भी समझ सकते हो कि अगर शॉपिफाई का कोई स्टोर है तभी ये उसके लिए ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी एक शॉपिफाई का स्टोर ले लिया करते हैं, तो हमने यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑल शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक किया, और अभी हम यहाँ पे कोई भी एक स्टोर ले लिया करते हैं, तो मान लीजिए ये जो स्टोर है इसका ही हम कॉपी कर लिया करते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसका यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया। अब जब जब भी इनके पास ऑर्डर आते जाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती जाएंगी, जो कि मैंने अभी आपके लिए ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो इन्होंने रिसेंटली प्रोडक्ट सोल्ड किए हैं ना लास्ट एक घंटे में, वो यहाँ पे इन्होंने कुछ बता दिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ एक प्रोडक्ट था, फिर ये एक प्रोडक्ट था, तो ये अभी अभी इन्होंने नए नए प्रोडक्ट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में ये वाले प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा टाइम जरूर लिया करता है लेकिन चीजें बहुत एक्यूरेट बताता है। यहां तक कि मैंने अपना भी इसमें एक शॉपिफाई स्टोर ऐड किया था, इसीलिए मुझे पता है कि ये जो टूल है वो एक्यूरेट बताता है। तो बस इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी जो मुझे जो मेन चीजें पसंद है कि आपको टिकटॉक एड्स मिल जाते हैं, टिकटॉक को आप चाहो तो फेसबुक में भी यूज कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आप उनके ऐड ही चलाओ, आप चाहो तो बहुत सारे एड्स को डाउनलोड करके आप उनको थोड़ा सा एडिट वगैरह, उसमें कहीं नाम वगैरह दिया है मान लीजिए यहाँ पे, और विनिंग एड्स में मान लीजिए कोई भी एक आपने प्रोडक्ट का नेम डाला, मान लीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट है एग्जैक्ट आप डालोगे ना तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके लिए मिल जाएंगे। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ टॉप किए हुए हैं कि टॉप ज्यादातर किसके चल रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए सिर्फ हम पेट बैट्स करके या पेट एसेसरीज में आप देख लेना, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेट एसेसरीज सर्च किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेट एसेसरीज में कौन कौन सी है। और जो भी आपका प्रोडक्ट है मान लीजिए यहाँ पे ये एक SUPAW, तो आप इस अकेले को डालोगे ना तो आपको इससे रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। या कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे अभी मैंने फिर से पेट सर्च किया, यहाँ पे पेट का कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट बोट करके, कहा जाए तो ये एक रोबोट है, कहा जाए तो ये मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना। तो आप चाहें तो इस टाइप के प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। अब ये पेट बोट है तो आप यहाँ पे सिंपल सा पेट बोट सर्च करना, अब पेट बोट से रिलेटेड जितने भी एड चल रहे हो, मान लीजिए अभी तो ये एक ही एड चल रहा है, ये बंदा सिर्फ एक ही एड चला रहा है, लेकिन अगर और एड चल रहे होते या पेट रोबोट करके भी हम सर्च करके देख लिया करते हैं कि अगर इसका कोई और एड चला रहा होता तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ एक दो और आए हैं, अभी कितने ज्यादा सिमिलर हैं वो पता नहीं, लेकिन पेट रोबोट करके ये तकरीबन 2-3 एड आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कहा जाए तो अगर चल रहा होगा कोई भी एड तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने सिंपल सा कैट बेड करके सर्च किया, ठीक है, तो कैट बेड अगर मैंने सर्च किया, अब कैट बेड के जितने भी रहेंगे वो सारे एड्स आपको दिखाई दे जाएंगे। मान लीजिए इतने सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, इतने सारे आ गए, अब इनको आप डाउनलोड कर करके और यूज कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि एड के लिए, आप चाहो तो सिंपल सा विदाउट एड भी आप यूज करो ताकि इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कि आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो अपने उस पर, ठीक है। तो उसके लिए भी मतलब मैं जो यूज करता हूं, मैं आपके लिए वो बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, मुझे जो भी प्रोडक्ट चाहिए है उससे रिलेटेड और वीडियोस को भी मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस को डाउनलोड कर लिया करता हूं और उन्हीं को मैं यूज करता रहा करता हूं। हर मतलब एक ही बार में मैं पूरे शेड्यूल कर देता हूं, और शेड्यूल करने के बाद मैं कहा जाए तो मेरा कहा जाए तो 15 दिन का काम मैंने एक दिन में कर दिया, अब वो 15 दिन अपने आप वीडियो खुद ब खुद पोस्ट होते रहेंगे। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। ये कहा जाए तो इंगेजमेंट जो आप ऐड चलाओगे उससे आपको ऑब्वियसली बात है पैसे आएंगे,
लेकिन अगर आप एड नहीं भी चला रहे हो तो कभी कभी आपके वीडियो इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं, बहुत क्यूट टाइप के वीडियोस होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सेल आ जाती है बिना पैसा खर्च किए। तो आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हो कि मान लीजिए जो भी इनके बैड वगैरह हैं उसके कुछ 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 वीडियो आप डाउनलोड करके और एक बार में पूरे शेड्यूल कर दो। मतलब आप ये मान के चलिए मुश्किल से आपको एक घंटा लगेगा, लेकिन एक घंटे में आप 15 दिन का अगर काम करके छोड़ दे रहे हो ना, तो मतलब आपका काम हो गया। अगर आपको स्टार्टिंग में 2 घंटे भी लगे तो 15 दिन का काम आपने 2 घंटे में कर दिया। अब वो 15 दिन की इंगेजमेंट आपकी खुद ब खुद आती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार आपको शेड्यूल करना था। तो इसी टाइप से ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये टूल आ सकता है काम में। और बाकी जो मैंने, मुझे जो पसंद थे वो मैंने टूल्स आपके लिए बता दिए कि मैं एक तो विनिंग एड्स यहाँ पे देखता हूँ, दूसरा इसकी क्रोम एक्सटेंशन जो फ्री मिलती है वो एक ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेल्स ट्रैकिंग, लाइव ट्रैकिंग, ये जो चीज है ये मेन है। इसके बाद एक और जो सप्लायर फाइंडर है, ये भी बहुत ज्यादा काम आ जाता है कि कोई प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल के और आप इसमें चेक कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला है कि ये जो है ये पूरा का पूरा फ्री है, कि आप चाहो तो इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने इसके प्राइसिंग बताए थे मैंने लिंक नीचे दे के रखी है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल सा आपको आके और इधर पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।